डीप पे फील्डर मौजूद थे आपका ही। फिर से तेज गति गेंद की है, इस बार भी गेंद हवा में है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे और एक बार फिर से पार्ले हैप्पी हैप्पी छक्का। काफी मजबूत स्थिति में चेन्नई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा शॉर्ट गेंद था, बड़ी जल्दी अपने को पोजीशन किया, इस बात से अंदाजा लगाया सकता अभी केवल 35-40 ओवर का खेल हुआ है जिसमें 36 चौके लग गए हैं और ये जब जब बाउंड्री लगती है तो ये जो खेमा है। सो एवरीबॉडी गेट्स टू प्ले, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड हाउ आर द ओपोनेंट्स परफॉर्मिंग टुडे? I mean, they're performing pretty good and they've, Perpignan, I don't know, it's like, just play responsibly. I think it's, you just want to kill time and, but play responsibly. 59 बिना नुकसान के ये, I don't know, पार्ले हैप्पी हैप्पी एक और छक्का और मात्र 4.3 ओवर में क्या ये बैक टू बैक। इंटरव्यू के दौरान भी कि मुंबई प्रबल दावेदार, चेन्नई प्रबल दावेदार है इस टूर्नामेंट को जीतने की, दो बार जीता है, एक बार रनर्स अप रहे हैं और उसी और कदम बढ़ाए भी है इस बार, 5 ओवर का आधे ओवर भी नहीं हुए। एक और बाउंड्री डीप पे फील्डर है, जी नहीं, हाथ जाएंगे दोनों राजा का। सेम हैपेंस विद मुंबई, बल्लेबाजी अच्छी करी, अच्छा स्कोर बोर्ड पर था लेकिन एक और स्टीयर करके सिंगल चुरा लेंगे, लेकिन वो नई गेंद के साथ और ये अभी भी या बॉर्डर ग्रोप से टच हुआ है। 83 हाईलाइट रीप्ले में एक बार देखने की कोशिश करेंगे, अच्छा तरीके से इसको, जी 4 रन का इशारा आता हुआ बिल्कुल, और ये चेन्नई के सपोर्टर खुश होते हुए।